मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक नंबर 4 त्रिज्या के प्रकार चल रहे थे, उसमें चौथा प्रकार चल रहा है आयनिक त्रिज्या। देखिए, आयनिक त्रिज्या क्या होती है? आयनों की त्रिज्या को आयनिक त्रिज्या कहा जाता है। यह आकार में किस तरह पार्टिसिपेट करती है? देखिए, कि सबसे पहले तो देखना है आपको आयनों का निर्माण। आयन कितने प्रकार के होते हैं? आयन्स दो प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। ठीक है, धनायन और ऋणायन। धनायन का निर्माण कब होता है? जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, ठीक है, और जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, जब त्यागता है तब तो धनायन बनता है और जब ग्रहण करता है तब ऋणायन बनता है। कैसे समझ सकते हैं? इसको समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई एम धातु है या एम कोई तत्व है, इसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन त्यागे, यानी आपने इसको क्या दी, ऊर्जा दे दी। ऊर्जा देने पर इसमें से क्या निकला, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। इस पर कौन सा चार्ज आ गया? इस पर प्लस चार्ज आ गया, यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने पर कौन सा आयन बना है, धनायन। उसी तरह दूसरा परमाणु जो था, उस मान लीजिए वही एम परमाणु है, उसको इलेक्ट्रॉन दिया गया और उसने इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया या ग्रहण कर लिया, तो कौन सा आयन बना, ऋणायन बना। तो धनायन और ऋणायन का आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा। जब परमाणु से इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं तब तो धनायन बनता है, और जब परमाणु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं तब ऋणायन बनता है। अब अपन को क्या देखना है, आयनों की त्रिज्या। मान लीजिए कोई आयन था, इस प्रकार से उसकी संरचना थी, उसने क्या करा, अपने बाह्यतम कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, उसने अपने बाह्यतम कोष से इस इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। क्या कर दिया, त्याग दिया। अब जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, उसका आकार क्या हो जाएगा, आकार छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकले हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो आकार छोटा होगा। अब जैसे कि यहाँ ऋणायन की बात कर रहे हैं आप, ऋणायन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन लेंगे तो कैसा होगा, आकार बढ़ेगा। क्या होगा इसका, आकार बढ़ेगा। तो बेटा, आयनिक त्रिज्या का मतलब है आयनों की त्रिज्या नाभिक और बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी। कौन सा इलेक्ट्रॉन है ये, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन। नाभिक और बाह्यतम कोश के, ये कौन सा कोश कहलाता है, आखिरी वाला, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को आयनिक त्रिज्या कहते हैं। नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को आयनिक त्रिज्या कहते हैं। ये आयनिक त्रिज्या की परिभाषा होगी, परिभाषा भी लिख लीजिए आप, नाभिक तथा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी आयनिक त्रिज्या कहलाती है, आयनिक त्रिज्या कहलाती है। अब जो अपन ने नाभिक लिखा है ना, तो ये लिखेंगे अपन आयन में। ये तो थी आपकी त्रिज्या की डेफिनेशन। कोई भी त्रिज्या की बात कर रहे हैं अपन, नाभिक तथा बाह्यतम कोश की दूरी को ही काउंट किया जाएगा, लेकिन जब आयनिक त्रिज्या की बात होगी तो आयनिक त्रिज्या तो आयनों में ही मिलेगी, तो अपन यहाँ लगा देंगे आयन में नाभिक तथा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को आयनिक त्रिज्या कहलाती है, या आयनिक त्रिज्या कहते हैं, जो आप लिखना चाहें। आयन कितने प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन दो प्रकार के होते हैं। धनायन का निर्माण कब होता है, जब परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, और ऋणायन का निर्माण कब होता है, जब परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, तब आपके ऋणायन का निर्माण होता है। जब धनायन इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो आकार छोटा होता है, यानी त्रिज्या का मान कम होगा। जब आकार छोटा होगा तो आपकी त्रिज्या का मान क्या होगा, कम होगा, और ऋणायन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं तो आकार बढ़ेगा, और आकार बढ़ेगा तो त्रिज्या का मान भी कमान बढ़ जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। इस तरह आज हमारा आयनिक रेडियाई टॉपिक कंप्लीट होता है, सॉरी, आयनिक त्रिज्या का टॉपिक कंप्लीट होता है आज। अब हम अगली क्लास में हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले हम जैसे कि और एग्जाम्पल देख लेते हैं आयनिक त्रिज्याओं के, जैसे कि धनायन ऋणायन का। जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर कितना होता है हाइड्रोजन का, एक। इसने क्या करा, हाइड्रोजन प्लस बना लिया, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो यहाँ पर देखेंगे
प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इसका भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इसके पास प्रोटॉन होता है एक और इलेक्ट्रॉन भी था एक। याद रखना हमेशा जितनी प्रोटॉन की संख्या होती है उतनी ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे प्रोटॉन कितने हैं एक, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसके पास एक ही था इलेक्ट्रॉन, और वो भी इसने निकाल दिया, तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, जीरो। और प्रोटॉन पर हमेशा होता है पॉजिटिव चार्ज्ड, इलेक्ट्रॉन पर होता है हमेशा नेगेटिव चार्ज, याद रखिए इस बात को, प्रोटॉन पर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव। अब कौन सा चार्ज ज़्यादा है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, इसलिए हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज आया, ये इसका एग्जाम्पल था। इसी तरह हम देख सकते हैं सोडियम का, देख सकते हैं ठीक है, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, सोडियम ने सोडियम प्लस बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, कौन सा आयन बनाया है, पॉजिटिव आयन बनाया है। तो प्रोटॉन की संख्या देखेंगे आप और इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन भी 11, इलेक्ट्रॉन भी 11। अब यहाँ पर जब सोडियम प्लस आयन बना है इसमें प्रोटॉन की संख्या 11 होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी 10, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब कौन सा आवेश ज़्यादा है, ये तो प्लस होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, तो माइनस वाला तो 10 है और प्लस वाला 11 है, जो ज़्यादा होगा वही चार्ज ऊपर आएगा, यानी सोडियम प्लस, सोडियम पर प्लस चार्ज आएगा इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद। उसी तरह आप ले सकते हो सोडियम के अलावा कैल्शियम ले सकते हैं आप, कैल्शियम है ठीक है, कैल्शियम क्या करेगा इलेक्ट्रॉन निकालेगा, मान लीजिए उसने दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए और इसके ऊपर क्या निकाला, प्लस दो इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम के पास प्रोटॉन होते हैं 20, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं 20, एटॉमिक नंबर कैल्शियम का 20 होता है ठीक है। अब यहाँ पर प्रोटॉन तो 20 ही हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा 18, क्यों रहेगा 18, एक साथ उसने दो इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो यहाँ पर जो चार्ज बनेगा वो चार्ज आएगा प्लस 2। तो हम जो समझाना चाह रहे थे, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा आकार छोटा होगा, और आकार छोटा होगा तो त्रिज्या का मान कम हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद चार्ज बढ़ रहा है, और चार्ज बढ़ रहा है तो आकार छोटा हो रहा है, और जितना छोटा आकार होगा उतनी कम त्रिज्या होगी। उसी तरह हम ऋणायन की बात करते हैं ठीक है, ऋणायन में आप देख सकते हैं जैसे कि मान लीजिए फ्लोरीन है, फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा और क्या बना लेगा, फ्लोरीन माइनस। अब देखिए फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9, प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी फ्लोरीन के पास 9, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी 9। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है, प्लस, और इलेक्ट्रॉन पर माइनस। अब यहाँ देखेंगे प्रोटॉन पर कौन, कितने प्रोटॉन रह गए फ्लोरीन माइनस में 9, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 10, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने थे 9 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसलिए यहाँ पर कौन सा आवेश आएगा, माइनस वाला हिस्सा ज़्यादा है, माइनस ये है, माइनस 10 है और प्लस कितने 9 है, तो ज़्यादा प्रभावी कौन होगा 10 वाला, तो चार्ज कौन सा आएगा माइनस। उसी तरह ऑक्सीजन का देखिए एग्जांपल, ऑक्सीजन एक साथ दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है और क्या बनाएगा, ऑक्सीजन माइनस 2। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, तो प्रोटॉन की संख्या होगी ऑक्सीजन के पास 8 और इलेक्ट्रॉन की भी 8, और जो बना हुआ ऑक्सीजन माइनस 2 आयन है उसके पास प्रोटॉन की तो संख्या होगी बेटा 8, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई अब 10, क्योंकि 8 तो यहाँ पर थी और 2 यहाँ से ली, तो 8 और 2 मिलकर कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, तो ज़्यादा प्रभावी कौन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, इसलिए इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज आ गया ठीक है। उसी तरह आप देख सकते हैं क्लोरीन का, क्लोरीन जो होता है वो भी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है और बना लेता है क्लोरीन माइनस, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17 ठीक है, प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी क्लोरीन के पास 17 और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी 17 ठीक है। और अब देखेंगे हम क्लोरीन माइनस जो बना हुआ है उसके पास प्रोटॉन की संख्या तो हो जाएगी 17, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 18, तो 18 हो गई तो माइनस चार्ज ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है माइनस चार्ज होता है, तो माइनस चार्ज ज़्यादा है संख्या में तो क्लोरीन पर कौन सा चार्ज आएगा माइनस चार्ज। वही चीज़ हम समझना चाह रहे थे, परमाणु जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो उनका आकार बढ़ता है, और आकार बढ़ता है तो आयनिक त्रिज्या का मान भी बढ़ जाएगा। तो यही कंसेप्ट था हमारा, इसको आप अच्छी तरह पोज करके पूरा नोटबुक में उतारें इन सब चीज़ों को, और ये आज हमारा त्रिज्याओं के प्रकार कंप्लीट होता है। अब जब हम ग्रहण करेंगे या हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।